कौम को ये मैसेज भी देते हैं कि आप देख सकते हैं खेलना कितना इंसान के लिए, कितना हमारे इन बच्चों के लिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये कौम की जो तकदीर है आप देख सकते हैं। अगर इस किसी कौम को अपने आप को बनाना है, अपने आप को फिट रखना है, तो उसको खेल कूद और बुरे जो चीज़ें हैं उनसे नजात मांगनी है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ये बच्चे जो हैं ये कौम की एक अच्छी सी मिसाल बने, ये कौम को अच्छे से कोई मिसाल दें। ये आप देख सकते हैं आजकल मार्केट में जब जाते हैं हम जंक फ्रूट्स जो खाते हैं बच्चे लाकर, उससे अगर अपने बच्चे को हम अच्छे अच्छे ग़िज़ा दे दें, मार्केट के जो गंदी जो चीज़ें हैं जैसा कुरकुरे लेज या जूस के वो जो कुछ जूसेस हैं जो जूसों से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मेरी गुजारिश होगी अगर हम अपने बच्चों को सुबह सवेरे या हम खुद, क्योंकि आज देख सकते हैं जितने भी हम खाना खाते हैं वो खाते जाते हैं, उसको हमें अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आता है। अगर हम खाना खाएं, खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम वर्जिश करें जैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कौम की तकदीर, ये अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं अल्लाह इनको सलामत रखें, अल्लाह इनको तरक्की दें, अल्लाह इनको इज्जत दें। मेरी यही गुजारिश है अगर हम मॉर्निंग में या किसी भी टाइम अपने आप को अपने बच्चों को या खुद, क्योंकि आज देख भी सकते हैं बहुत सारी गंदी गंदी बीमारियां जैसा ब्लड प्रेशर है या शुगर है या थायराइड है या बाकी चीज़ें हैं, इंसान को एक जगह बैठने से ये बीमारियां जो हैं उनके सवार होते हैं। हम आज वादा करेंगे कि अपने आप को और अपने बच्चों को फिट करवाने के लिए अपनी वर्जिश करेंगे, वर्जिश के साथ साथ हम इन बीमारियों से निजात मांगेंगे, क्योंकि आजकल लोग जो हैं सुबह उठते ही अपनी डीपी चेक करते हैं, अगर डीपी चेक करने से बीपी चेक करेंगे, अपने आप को बीपी मॉनिटर रखेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह सबको ठीक रखें, आपको अल्लाह हर एक को सलामत रखें, इन बच्चों को भी सलामत रखें, इनके माँ बाप को भी सलामत रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं आई, बदरक नहीं आई आवाज, बदरक 1 से 15 तक पंजा कतार शुरू।